श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में रविवार रात से ही सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में सरफराज अहमद नाम का एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं मुठभेड़ में एक आतंकवादी भी घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। आपको बता दें कि घटनास्थल से आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों द्वारा उपयोग में लाई गई स्कूटर, AK-47 राइफल और 2 ग्रेनेड मुठभेड़ वाली जगह से बरामद किए गए हैं। वहीं सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि रविवार शाम रजौरी के कांद्रा हिल इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई थी, तो वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।